हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है ऑन द टॉपिक हाउ टू लूज आर्म फैट। सो आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज को कंसिडर करते ही नहीं है, बिकॉज हमारा मेजर ध्यान तो जो जाता है वो जाता है हमारे बेली फैट पे। बट गाइस, ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेली फैट एक्चुअली में कम हो, तो आपको अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में से फैट को स्ट्रेट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो आपके आर्म्स हो या फिर आपके लेग्स। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ एंड देखते हैं हम कैसे करेंगे आज अपना आर्म फैट शेड। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। आज के डे में गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा कार्ब इंटेक कम रहेगा, बिकॉज कल ही मैंने अपना चीट मील लिया है एंड प्रोबेबली आपने भी लिया होगा। सो आज हम अपने कार्ब इंटेक को थोड़ा कम रखेंगे। शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। सो ब्रेकफास्ट में गाइस, मैं ले रहा हूँ ऑमलेट जिसमें 2 होल एग्स एंड 2 एग वाइट्स मैंने डाले हैं। सो बेसिकली 4 एग का ऑमलेट होगा एंड 1 ग्लास ऑफ मैंगो शेक। सो इससे क्या होगा गाइस कि जो मेरे को प्रोटीन है वो अराउंड मिल जाएगा 29 ग्राम्स, जिसमें से 20 ग्राम्स मेरे को मेरे ऑमलेट से मिलेगा एंड 9 ग्राम मुझे मिलेगा मेरे मैंगो शेक से। फैट्स जो होंगे गाइस वो मेरे को मिलेंगे अराउंड 22 ग्राम्स, जिसमें से मेरे को 2 होल एग्स की वजह से मिलेगा अराउंड 10 ग्राम्स ऑफ फैट एंड मेरे 300 ml मिल्क की वजह से मुझे मिल जाएगा अराउंड 12 ग्राम ऑफ फैट। सो ओवरऑल फैट रहेगा हमारा 22 एंड कार्ब्स गाइस हमारा इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा, विच वुड बी अराउंड 4 टू 5 ग्राम्स। तो लंच में गाइस मैं ले रहा हूँ एक कटोरी राजमा, 250 ग्राम्स ऑफ राइस, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड सैलेड। सो इससे जो ओवरऑल न्यूट्रिशन मुझे मिल जाएगा वो रहेगा कार्ब्स का अराउंड 160 ग्राम, फैट्स का अराउंड 24 ग्राम्स एंड प्रोटीन मेरा रहेगा 34 ग्राम। सो प्री वर्कआउट में गाइस आज मैं ले रहा हूँ खरबूजा एंड इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपने वर्कआउट। वॉल क्लैप पुशअप। सो गाइस ये एक्सरसाइज बेसिकली वेरिएशन है हमारे स्टैंडर्ड पुशअप्स की एंड ये थोड़े ज्यादा इंटेंस होते हैं ना नॉर्मल पुशअप, बट ये एक्सरसाइज सब कर सकें इसलिए हम इसको करेंगे आज वॉल पे। सेकेंडली गाइस, अगर इसके फॉर्म पे बात करें तो आप प्लैंक पोजीशन पे रहेंगे एंड धीरे धीरे अपने फीट को आगे लेते जाएंगे दीवार के पास, जब तक आप एक सर्टेन कंफर्टेबल हाइट पे ना आ जाएं। ऑल्सो सेकेंड चीज गाइस, जो आपके आर्म्स हैं वो शोल्डर विथ अपार्ट होने चाहिए एंड आपके जो आर्म्स एक्सटेंडेड होंगे सामने वो आपकी शोल्डर हाइट के बराबर होने चाहिए। डायमंड पुशअप। सो गाइस ये एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं सेम फॉर्म में की जाएगी जो हमने पिछली पुशअप की एक्सरसाइज करी वैसे ही, बट इसमें जो एक डिफरेंस आ जाता है वो आता है आपकी हाथों की ग्रिप का। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, मेरे हाथों की जो ग्रिप है वो इसमें क्लोज हो जाएगी काफी एंड एक डायमंड शेप में रहेगी। ये एक्सरसाइज गाइस आपकी चेस्ट पे टारगेट करेगी एंड आपके ट्राइसेप्स पे बहुत इंटेंस फील कराएगी। सो गाइस ये थोड़ी टफ हो सकती है, बट देन अगेन यू वॉन्ट टू लूज दैट फ्लैबी आर्म फैट राइट, सो यू गॉट इट। सो गाइस पहले तो मैं ये एक्सरसाइज एट अ टाइम एक आर्म को टारगेट करते हुए ही करूंगा एंड उस समय जो मेरा दूसरा आर्म है वो उस मसल पे टच कर रहा होगा। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि हमारा मसल टू माइंड कनेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब जब मैं उस मसल को टच कर रहा हूँ तो मेरे ब्रेन का फोकस वहां पे उस मसल पे बढ़ जाएगा। ऑल्सो गाइज ये एक्सरसाइज करते हुए आप 1 2 3 काउंट करते हुए अपना हाथ ऊपर लाएं एंड 1 2 3 काउंट करते हुए अपना हाथ नीचे लेके जाएं। इससे क्या होगा, आपका जो पेस है एक्सरसाइज करने का या फिर जो टेम्पो है वो एक ऑप्टिमम रेंज पे रहेगा एंड आप जितनी स्लो पेस पे एंड बेटर पेस पे करेंगे इस एक्सरसाइज को उतना ज्यादा ही आपको इफेक्टिव फील होगा। हैमर कर्ल्स। सो गाइस इसमें भी बाइसेप कर्ल्स की तरह ही मैं सेम स्ट्रेटेजी रखूंगा, बिकॉज आपका मसल टू माइंड कनेक्शन बढ़ जाएगा। अब अगर आप सोचें कि मसल टू माइंड कनेक्शन मैं बार बार ही कह तो रहा हूँ बट इतना क्यों इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो गाइस सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको कहूँ कि अपना बाइसेप आप मेरे को शो करके दिखाएं तो आप एकदम फुल फोकस के साथ उसे फ्लेक्स करेंगे एंड एट द सेम टाइम गाइस अगर यही चीज़ आप अपने वर्कआउट में ऐड कर देंगे तो उससे और ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट हो जाएगा आपका।
ऑल्सो गाइज इसमें भी आपको 1, 2, 3 काउंट करके ही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है एंड ये एक्सरसाइज आपके लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप पे फोकस करेगा। आर्म सर्कल्स। सो गाइज ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एंड ये लगती तो आसान है बट क्योंकि अभी आपके आर्म्स पंप हो चुके होंगे तो आपको ये टफ लगेगी। ऑल्सो जब आप इसके रिप्स बढ़ा देंगे तो आपको ये बहुत ही ज्यादा टफ लगेगी। ऑल्सो गाइज आप ये एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपके जो आर्म्स हैं आपको उसमें बहुत ज्यादा ब्लड रश फील होगा एंड आपके शोल्डर से लेके आपकी फिंगर्स तक आपको ये इफेक्ट फील होगा। पोस्ट वर्कआउट में गाइस अगेन मैं ले रहा हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ प्रोटीन एक्स अलॉन्ग विद अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड देन अगेन गाइस इसमें मुझे प्रोटीन एक्स से मिल जाएगा अराउंड 12 टू 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड मेरे मिल्क से मुझे मिलेगा अराउंड 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो डिनर में गाइस मैं अगेन ले रहा हूँ ऑमलेट एंड पनीर। सो गाइस इसमें मैं जो ऑमलेट लूंगा उसमें 4 eggs का ऑमलेट होगा विच वुड बी एग वाइट एंड नो योक एंड एट द सेम टाइम जो पनीर होगा वो होगा हमारा 100 ग्राम। ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे प्रोटीन मिल जाएगा अराउंड 36 ग्राम्स, फैट्स अगेन मेरे रहेंगे समवेयर अराउंड 20 टू 22 ग्राम्स एंड मेरा जो कार्ब्स है वो रहेगा अराउंड 22 ग्राम्स इन दिस मील। सो इसी के साथ गाइज हमारे आज का वीडियो खत्म होता है एंड आज का वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली आर्म फैट पे फोकस करके मैंने बनाया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे जरूर बताइएगा एंड आई एम श्योर जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे एंड इसके साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके वो जो फ्लैबी आर्म्स है वो फ्लैबी नहीं रहेंगे। एक और चीज गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज एक सब्सक्राइबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।